हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के सामने कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ, कुछ टिप्स नहीं लेके आई हूँ। आज मैं बाज़ार से बाल गोपाल जी लेके आई थी, ठाकुर जी लेके आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के संग भी शेयर किया जाए कि मैं बाज़ार से बाल गोपाल जी लाई थी। कितने प्यारे बाल गोपाल जी हैं, इनको हम अभिषेक करवाएंगे, तो मैंने सोचा आप सभी के संग में मैं इनको शेयर करूँ कि मैं इनको कैसे इनका अभिषेक करूँगी और कैसे इनको हम सजाएंगे। तो चलिए, एक मैंने ले ली है प्लेट और फिर इसमें अब हम अभिषेक करेंगे ठाकुर जी का। तो सबसे पहले हम लेंगे दूध, कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। जब भी हम अभिषेक करें तो ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि उसमें तुलसी ज़रूर डालें। अब इसमें हम धीरे धीरे करके दूध डालेंगे और अच्छे से इनको हल्के हल्के हाथ से इनकी इस तरीके से मालिश करेंगे। हल्के हल्के हाथ से मालिश करें, जैसे हम अपने बच्चों को नहलाते हैं ऐसे ही हम ठाकुर जी को नहलाएंगे। अब हम दही डालेंगे। दही डालने के बाद भी इनको हम हल्के हल्के हाथ से मसाज देंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से करने से क्या होता है, ठाकुर जी और चमक जाते हैं। इस तरीके से हल्के हल्के हम मसाज देंगे। जब भी आपके घर में ठाकुर जी रखे रखे थोड़े काले पड़ जाएं, तो आप उनको दही से इस तरीके से चमका सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से ठाकुर जी को मसाज दीजिए और चमक भी जाएंगे ठाकुर जी। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इनको मसाज दे दी है हल्के हल्के हाथ से। अब हमें डालना है शहद। शहद डालेंगे, फिर हल्के हल्के हाथ से हम दोबारा से मसाज करेंगे इस तरीके से। जन्माष्टमी भी है, जन्माष्टमी भी आ रही है, तो आप इस तरीके से कृष्ण जी को अभिषेक कीजिए और तैयार कीजिए उन्हें। अब हम डालेंगे घी। ये चंद्रामृत पांच चीज़ों से होता है, तो पांच चीज़ों से ही हम कृष्ण जी का अभिषेक कर रहे हैं। घी भी हमने डाल के अच्छे से इसको हम मसाज करेंगे कृष्ण जी की। तो यहाँ पे देखिए, हमने घी डाल के भी अच्छे से मसाज कर दी है। अब इसमें हम डालेंगे बूरा। बूरा इसलिए डाल रहे हैं, जो हमने घी और शहद अभी इसमें हमने कृष्ण जी के ऊपर डाला है, इससे चिपचिपापन घी से हो जाता है, इसलिए इससे नहीं रहेगा भूरे से। अब हम इसमें डालेंगे गंगा जल। अब ऊपर से हम इनमें गंगा जल डालेंगे, गंगा जल से अभिषेक कराएंगे। इस तरीके से अच्छे से हमें गंगा जल डाल देना है ठाकुर जी पे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी में हम गुलाब की पत्तियां डाल देंगे और फिर ठाकुर जी को नहलाएंगे पानी डाल के अच्छी तरीके से। अच्छे से पोंछेंगे और डालते जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से इनको हमने वॉश कर दिया है। ये देखिए, अच्छे से पानी डाल के हमने ठाकुर जी को अच्छे से वॉश कर दिया है, नहला दिया है। ये देखिए, अब हम इनको अच्छे टॉवल से साफ़ करेंगे। जो आपके भगवान का कपड़ा होता है, टॉवल होती है, उससे हम इनको पोंछ लेंगे। ठाकुर जी को अच्छे से पोंछ लेना है। ये देखिए, हमने इसको इनको अच्छे से पोंछ लिया है। अब जो ये हमारा चंद्रामृत है, इसको हमें पूरे घर में छिड़क के तुलसी में भी डाल सकते हैं या प्रसाद के रूप में भी इसको हम ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। अब चलिए, हम तैयार करते हैं ठाकुर जी को। प्लेट में हमने कुछ गुलाब की पत्तियाँ रख दी हैं। अब इनको हम कपड़े पहनाएंगे। तो ये देखिए, हमारे ठाकुर जी महाराज कपड़े पहन रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम उनको कपड़े पहना दिए हैं हमने। तो हमारे ठाकुर जी महाराज कितने प्यारे लग रहे हैं। अब चलिए, अब इनको हम पहनाएंगे बालियान के कानों की
ये देखिए छोटी छोटी बालियां हैं, ठाकुर जी के कानों में हम बालियां पहनाएंगे। अच्छी तरीके से इनको हम पहना देंगे। तो दोस्तों आप सभी ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि हमारे ठाकुर जी आप सभी को कैसे लगे हैं। मैं लेके आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के संग मैं शेयर करूं, मैं ठाकुर जी को तैयार करूंगी, इनको श्रृंगार करूंगी इनका, तो मैंने कहा आप संग सभी के संग मैं शेयर भी करूं। अब इनको हम पहनाएंगे माला, इस तरीके से माला पहना देंगे हम। अब इनमें हम लगाएंगे इनके ठाकुर जी के बाल, बाल लगा देंगे हम ठाकुर जी के। फिर इनका हम लगा देंगे पगड़ी। ये देखिए हमारे ठाकुर जी रेडी हो गए हैं बढ़िया से। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। अभी थोड़ी सी और एक हमारी कुछ कमी लग रही है, क्या कमी है देखते हैं, सोचते हैं क्या कमी रह गई है। तो ये देखिए, हाँ हमारी कमी रह गई थी चंदन का टीका करने की। ये देखिए तो ठाकुर जी हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे रेडी हो चुके हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे ठाकुर जी महाराज रेडी हो गए हैं। ये अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो इस पे मैं गुलाब की पत्तियाँ इस तरीके से रख दूँगी। लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर जरूर करना। तो देखिए यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के लिए सजावट की थी, तो यहाँ पे देखिए वो भी मैं आपको दिखाऊं। कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही मैंने सजावट की थी जितनी मेरे पे हो पाई। ये देखिए तो ये ठाकुर जी हमने रख दिए हैं और यहाँ उनका भोग रख दिया है मैंने। तो दोस्तों ये हमारे ठाकुर जी की तैयारी होके रेडी है, पूजा करेंगे अब हम ठाकुर जी की। फिर मिलेंगे, बाय बाय।